मैं आपको बड़े आराम से बताऊंगा कि आपने कैसे से करना है। तो आपने गूगल खोलना है, google.com पे लिखना है आपने ब्लॉगर। ब्लॉगर लिखेंगे तो ये साइट खुल रही है। सबसे पहले देखेंगे ब्लॉगर आ रही है, ठीक है। इसको आपने क्लिक करें, तो ये आ रहा है साइन इन। तो इसको आपने साइन इन करना है। यहाँ पे आपने साइन इन पे आपने क्लिक करना है। तो ये हमारे विंडो खुल गया। और यहाँ पे आपने ईमेल आईडी डालनी है और उसको नेस्ट कर दें। और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालें और उसको भी नेस्ट कर दें। तो ईमेल सबकी बनी होती है, कहते हैं अगर आपकी नहीं बनी तो अगर आपको बनाना आती नहीं है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के ईमेल बनाना सिखा देंगे कि ईमेल कैसे बनाई जाती है। ये लोड हो रहा है, ये हमारी अब वीडियो खुल चुकी है। तो इसको आपने यहाँ से क्लोज कर दें। और यहाँ पे हम ये लिखेंगे टाइटल। टाइटल क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं गूगल, वो टाइटल है, तो हम अपनी मर्जी का टाइटल इसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब इसको टाइटल हमने लिखा है, अब यहाँ से हम करेंगे इसको नेक्स्ट। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा यूआरएल, तो हम वही नाम को उसको लिखते हैं, चेक करते हैं कि इस पे हमारा एरर आता है कि नहीं आता। ये हम देख रहे हैं। ये हम लिख रहे हैं तो उसके साथ ये बता रहा है कि ये इसके ऑलरेडी इसके पास स्टेट है। ये हम लिख चुके हैं कि अब ये वेरीफाई नहीं हो रहा, ये सामने आ रहा है। ये देखिए अब ये इसने अभी भी ओके नहीं किया, हम चेंज करते हैं नाम उसका। ये देखिए अब ये हो चुका है। ये आपको यूआरएल दिखा देता हूँ कि ये इसका क्या होता है, टाइटल क्या होता है, ये आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ऊपर जो नाम आ रहा है ये इसका टाइटल और ये यूआरएल होता है, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हम उसका डिस्प्ले नाम लिखेंगे कि हमने क्या नाम उसको शो करवाना है। अब हम उसको करते हैं फिनिश। ये इसका प्रोसेस हो रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है। ये हमारा अब विंडो तैयार हो चुकी है, हमारा ब्लॉगर, ठीक है। अब हमारे इसको क्लोज कर दें। और ये अभी इसके अंदर हमारी कोई टेम्पलेट नहीं है, तो वो अभी हमारी खाली है। तो अभी हम आस्ता आस्ता आपको दिखाते हैं कि इसका हम कैसे चीज़ें ऐड करेंगे पेज न्यू पोस्ट करने के लिए। ये इसके बाकी वो हैं, तो अभी हमारे इसके कोई चीज़ इसमें हमने नहीं की, क्योंकि ये अभी हमने नया बनाया है। ये हम अपना व्यू दिखाते हैं, अगर हम ये क्या हमारा व्यू आया है, ये ओपन हो रही है। ये हमारी ब्लॉगर का डिस्प्ले से शो कर रहा है। अभी इसको हम अपनी नई थीम ऐड करते हैं, डाउनलोड करके फिर आपको दिखाते हैं कि वो हम इसको कैसे चेंजिंग करेंगे। ये देखिए हम आपको सारे पेज खोल के दिखाते हैं कि अंदर सारे हमारे पेज खाली हैं और कैसे इसका शो होते हैं, ठीक है। कि सेटिंग में भी आ रहे हैं और एंडिंग में भी गए हैं। तो ये देखिए अभी कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये अभी खाली है, फर्स्ट टाइम बनाया है। तो अभी हम इसको आपके सामने क्रिएट करते जाएंगे चीज़ें और आपके साथ साथ समझाते रहेंगे कि इसका
ये कैसे करते हैं। तो इससे बहुत ही फायदा आपको होगा कि आपको अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी डॉलर में, और उसके अंदर अब आप उसको सेटिंग, ये सेटिंग है, सेटिंग को उसको आप खोलें तो ये अब उसकी सेटिंग शो। ये देखिए अब आपके सामने ये सेटिंग ओपन हो चुकी है। तो ये देखिए अब हम पेज में आपको दिखा रहे हैं, पेज हमारे हाल ही में भी हम आपका पेज भी बनाना सिखाते हैं कि कैसे। यहाँ पे आप न्यू पोस्ट में जाएं, ये न्यू पोस्ट हमारी खुल चुकी है हाल ही है। तो इसके ऊपर आप टाइटल में लिखते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का, हम पहले ये पेज तैयार करते हैं। ये जूम का क्या काम फिर दिखा देते हैं कि ये हम लिख रहे हैं, ये आपने भी इस तरह इसको लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी। और अब हम नया टैब इसके खोल दें, वहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ से आपने डाउनलोड करना है। गूगल पे जाके आपने गूगल लिखना है, और यहाँ पे आपको लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ये आ गया ठीक है। जनरेटर ये हम अभी इसको ओपन करने लगे हैं। सबसे ये चार पांच आ रही हैं, लेकिन हम सबसे पहले वाली जो है उसको हम छोड़ के लेते नहीं हैं, वो पहले वाले को ही हम क्लिक करते हैं। पहले भी कर सकते हैं, दूसरी भी है और तीसरी भी है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। ये देखिए वीडियो हो चुकी है, तो ये हम कॉपी कर लेंगे, ये हमने कॉपी किया। तो यहाँ ला के हमने यहाँ पे वेबसाइट पे नाम पेस्ट कर दिया ठीक है। ये हमने जो बीच में नाम है वो हमने कॉपी करके दोबारा इसे पेस्ट करा दिया ठीक है। और जो वेबसाइट का भी हम यही नाम हमारा जो है वो पेस्ट करेंगे ठीक है। ये भी हमने ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया ठीक है। तो अब हम करेंगे इसको नेक्स्ट। सबसे ऊपर आ रहा है कुकीज फॉर वेबसाइट यू, इसको हम यस करेंगे, इसको भी हम यस करेंगे और इसको हम नो कर देंगे ठीक है। और अब हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे कंट्री डाली है, हम पाकिस्तान में हैं तो हम पाकिस्तान क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सुबह आ जाएगा हम पंजाब के हैं, पंजाब लिखेंगे। तो यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे, अब इस बटन को हम करेंगे जनरेट, तो ये हमारा आ चुका है। पहले को आपने नहीं क्लिक करना कॉपी, और इसको हम कॉपी करेंगे डाउनलोड डॉक्यूमेंट को, पहला लिंक है और दूसरा हमने डाउनलोड कर लिया, ये कॉपी है, हम इसको कॉपी कर ले चुके हैं। तो दोबारा अपने पे में जाते हैं, वो सब हमने बनाया था पॉलिसी का, ये वाला आ गया। इसको अपने इसको क्लिक करना है एचटीएमएल वाले पे, यहाँ पे आपने इसको ला के पेस्ट कर देना है ठीक है। अब इसका हम व्यू चेक करते हैं दोबारा से जाके, और ये इसको हमने क्लिक किया तो ये हमारी ये पॉलिसी यहाँ पे आ चुकी है। ये लिंक जो आ रहे हैं इसको आपने बंद कर देना है ठीक है। नीचे भी हम देख लें, नीचे भी आए गए, ये देखें ये नीचे भी आ रहा है। इसको भी आपने जो लिंक जो है वो आपने लिंक इसका ऑफ कर देना है। ये देखें ये इसका हमने लिंक खत्म कर दिया, और इसी तरह इसका भी हमने लिंक खत्म कर दिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, इसको हम पब्लिश कर देंगे, यहाँ पे सर्च पे आप ये कॉपी करके अपना जो टाइटल पर रखा है तो उसका हमें कॉपी किया है, तो यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं ठीक है। ये पेस्ट हमारा हो गया, अब हम इसको हम पब्लिश कर देते हैं ठीक है, कंफर्म कर दें इसको। ये देखेंगे आपका पेज
पॉलिसी का हमारा बन चुका है। अब दोबारा करते हैं, न्यू पेज बनाया हमें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे डिस्क्लेमर, ठीक है। ये हम ठीक है, जब मैंने लिख लिया, अब हम दोबारा उसमें जाएंगे, गूगल खोला है तो गूगल खोल के हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्क्लेमर, ठीक है। ये हम अभी लिखते हैं, डिस्क्लेमर जनरेटर, ठीक है। ये आ गया हमारा, यहाँ पेज खोला है तो ये हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम लिखा कंपनी का और दबाव में यूर पे पेस्ट की है। और यहाँ पे डालेंगे जनरेट, यहाँ पे हम डालेंगे अपनी ईमेल आईडी, उसको जनरेट किया, ठीक है। ये अपलोड हो रहा है तो ये देखिए, अब ये आ गया। यहाँ से हम उसको करेंगे कॉपी तो अपने पेज में दबा जाएंगे, और यहाँ पे हम उसको एचटीएमएल पे करके यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है। ये पेस्ट हम ये पेस्ट किया तो हम उसको दबा के व्यू में जाते हैं, तो ये हम यहाँ पे आके इसके व्यू पे हमें क्लिक करते हैं। ये देखिए ये आ गया। इसके भी हम ये लिंक जो है वो रिमूव कर देंगे, नीचे नहीं है। अब इसको हम डिस्क्रिप्शन सर्च में जाके भी हम ये दे देंगे अपना नाम, जो हमारा ये पेज का मैंने बनाया है। यहाँ पे हम इसको पब्लिश किया तो इसको हम गया कंफर्म, ठीक है। ये देखिए ये हमारा ये पेज बन चुका है, ठीक है। ये हम प्रीव्यू को दिखाते हैं, जिससे हमारा ये पेज शो हो रहा है, ठीक है। अब हम इसका अगला पेज बनाते हैं, ठीक है। इसको हम न्यू पोस्ट में जाके, पहले हम पोस्ट में गए अपने, ठीक है। अब ये न्यू पोस्ट हमारी खुल चुकी है। अब इस यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट अस, ठीक है। ये पेज अभी हम खाली छोड़ देंगे, क्योंकि हमने जो अपने कहते हैं जिस हमारा जो टाइटल होगा आपका, हम उसके मुताबिक अपनी अबाउट अस क्या लिखेंगे कि हमने इसमें क्या लिखना है, ठीक है। अभी हम इसको खाली छोड़ देते हैं, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब हम अगले पेज बनाते हैं, ठीक है। जो पेज पर क्लिक किया हमने, ये लोड हो रहा है। अब हम इसका बनाएंगे कॉन्टैक्ट का इसका पेज, ये भी आप मान लीजिए आपको टाइटल में आप लिख देते हैं। तो इसके बाद में आपको कोडिंग जो है इसकी वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिख देता हूँ, फिर आपने उसको कॉपी पेस्ट करके इस पर लिख लीजिएगा। तो वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं एंड पे आके, ठीक है। इसको भी हम पब्लिश कर देते हैं, कंफर्म कर दिया हम इसको। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पेज तैयार हो चुके हैं। अब हम जो पोस्ट हमने अपनी बनानी है उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, तो वो उसको अब हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। हमने नया पेज बना चुके हैं, अब हम नया पेज खोलते हैं विंडो, इसके ऊपर हम लिखते हैं गूगल। अब हमने जो भी जिसका हमने अपना बनाया है, मैंने अपना बनाया था एनिमल का, तो मैं यहाँ पे एनिमल का आपको लिख के दिखाता हूँ। ये हमने सर्च किया एनिमल का, ये देखें। तो अब इसके जो के आर्टिकल जो लिखे हुए आएंगे वो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें नीचे हम ये आ रहे हैं आर्टिकल, इसको हम कोई भी ये खोल लेते हैं, इसको हम ओपन कर रहे हैं, ये ओपन हो रहा है, ठीक है। ये आर्टिकल एक ओपन हो चुका है, तो इसको हम यहाँ से चेक करते हैं ये कितना आ रहा है। ठीक है, ये अब यहाँ से उसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से,
ठीक है जी, हमने इसको कॉपी करे, ठीक है फिर इसको सारा पैराग्राफ जो जहाँ तक ये आज तक ये मुकम्मल हो चुका है, इसको हमने कॉपी किया। तो अब इसको हम पेस्ट करते हैं, पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये कितना इसके अंदर कितने हैं, कॉपी राइट्स कितने ज़्यादा हैं। तो फिर ये देखें, अभी हम उसमें जाएंगे, गूगल का पेज खोला मैंने, नया यहाँ पे हम देखेंगे प्रिंट बोर्ड, ठीक है। इसके भी मैं लिंक आपको कॉपी करके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको स्पेंडिंग में मुश्किल ना हो, ठीक है। ठीक है, ये देखें, ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है, तो जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हम पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, करेंगे क्लिक बेसिक स्पेल पे, ठीक है। ये सारा हमारा आ चुका है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो ये अब ये इसको चेक कर रहा है कि इसके अंदर कितने गोल अपर्स हमारे ठीक है, यूनिक है, ठीक है। ये आ गया इसके ऊपर, इसके ऊपर हमारे जो पैराग्राफ्स हैं चेंज करके हमारे के सामने रख दिया है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, अब हम इसको दूसरे साइड पे जाके इसको चेक करेंगे कि इसमें लफ्ज़ कितने यूनिक हैं हमारे, कि लफ्ज़ किस किसने और तो ने कॉपी तो नहीं लिखे हुए, ठीक है। ये भी मैं आपको इसका भी लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा आपको, तो ये आपको इसके ऊपर ये पैराग्राम चेक के नाम से ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है। ये सामने हमारे तीन चार ऐड आ रहे हैं, भले वो हम नहीं खोलेंगे क्योंकि ये ऐड है, तो ये नीचे भी ऐड है, ये हमारा नीचे से हम इसको ये फाइल को करेंगे। तो ये देखिए आपको ये वेबसाइट बन चुकी है, इसके ऊपर हम यहाँ पे कॉपी करेंगे जो हमने अभी पेस्ट किया था, ठीक है। ये पेस्ट हम कर रहे हैं, तो इसके अब थोड़ा नीचे करेंगे इसको हम, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये अभी लोड हो रहा है पेज, ये आ गया। इसको अपने डब्बे पे क्लिक करना है, ठीक है। ठीक हो गया, अब आपने इसको यहाँ पे चक के ऊपर इस पर डब्बे पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। अब ये सर्च कर रहा है कि हमारा जो आर्टिकल था वो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग और चीज़ें अभी हमें ढूंढ के बता रहा है चेक करके, ठीक है। आपको किसी चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे हमें डिस्क्रिप्शन पे अपना मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उस वक्त ही फौरी तौर पर जवाब देंगे, ठीक है। ये देखें भी तो ये वो 0-0 दिखा रहा है, यहाँ पे भी अब चेक कर रहा है वो, ठीक है। ये देखिए हमारे सामने से 50% से हमें गाय के यूनिक है, और 50% जो उसमें है चेंजिंग हम करते हैं भी आपको, तो भी हम आपको दिखाते हैं कि आप उसको मजीद कैसे ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको तो यहाँ पे अभी आपको दिखाते हैं इसको री चेक करने का ये काम बटन है, चेक करने के लिए अब ये इसको चेक करेगा, ठीक है।
तो ये दोबारा हम वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ये अभी दोबारा ये चेक करेगा। ठीक है, ये देखें, अब उसने हमें गाल दिया कि ये लफ्ज़ हमारे मैच हो रहे थे, तो अब इसको हम यहाँ से आगे नीचे करेंगे, तो ये आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसने इसका रिजल्ट निकाला है कि इसमें क्या क्या गलती थी, ये जिसको दोबारा हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, तो ये पेज नीचे हम करते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ दोबारा, आप इसको बोर्ड के ऊपर डब्बे पे चेक करना है, और फिर दोबारा इसे चेक पे के ऊपर अपने क्लिक करना है, ठीक है, तो ये देखें चेक पे आपने क्लिक किया, वो दोबारा चेक कर रहा है, चेंजिंग करके हमें दिखा रहा है कि इसके अंदर सारे लफ्ज़ जो है अब यूनिक हो जाएंगे। इसमें आपको करवाने की जरूरत नहीं है, तो ये अभी देखिए आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए हम हमारा ये 100% यूनिक हो चुका है, अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी का बटन है, कॉपी किया और हम दोबारा अपने पोस्ट पर जाएंगे, यहाँ से पे हम अपना पेज बना रहे हैं, ठीक है, इस पर हमारे यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम इसका टाइटल लिखते हैं, यहाँ से हमने जहाँ पे हमने कॉपी किया था उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपने अपना टाइटल जो कॉपी कर रहे हैं आप उसका अपने यहाँ पे टाइटल लिखना है, ठीक है, ये मैंने इसका टाइटल अपना लिख दिया, लिख रहा हूँ, ठीक है, अब हम उसके बाद हम गूगल खोलते हैं, तो आप उसके हम तस्वीर जो है इमेज हमारा वो हम नेट पे जाके सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल खोला है, ठीक है, इसको जो भी आपका टाइटल होगा जिस जो आपने लिखा है तो उसके नाम से हम सर्च करेंगे, मैंने क्योंकि एनिमल लिखा था तो ये ठीक है, ये आ गया, हम इस पर तस्वीर में जाएंगे, तो हम यहाँ से इसकी पिक्चर डाउनलोड करते हैं, ठीक है, इसकी भी मैं आपको जो वेबसाइट का नाम जो है वो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिख दूंगा, ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ये हमारा पेज अभी बिल्ली का आएगा, यहाँ से हम जानवर की तस्वीर हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने तो तोते की तस्वीर हमें डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है जी, हमने हमारी पिक्चर डाउनलोड हो चुकी है, अब इसका हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ से हम अपलोड करेंगे फाइल, यहाँ पे हमारे तोता की तस्वीर में डाउनलोड की थी, ठीक है, ये तोते की तस्वीर है डाउनलोड की है, वो हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है जी, देखिए आप हमें ये डाउनलोड अपलोड हो रही फाइल हमारी, ये तोता आ चुका है, ठीक है, इसको हम ओके करेंगे, तो इसको यहाँ से हम करके इसको ऊपर ले आएंगे, ठीक है, तो अब इसके हम सेटिंग करते हैं, तो उसका हमने यहाँ पे
सेलेक्ट करना है, ठीक है, लफ्ज़ों को ये आपके ठीक हो गया, सेलेक्ट हो गया। इस पहले ऑप्शन आप जाना, इसको यहाँ पे लिखना है आपने नॉर्मल पे जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद पे यहाँ पे आना है, इसको यहाँ पे पैराग्राफ पे चेक करना है, फिर इस टूल में आना है और यहाँ पे जस्टिफाइड में आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो पहले आपने इसको जाके इसको हल्का सा एक टैब का बटन जो है वो आपने दबाना है, ठीक है। हमारे सेटिंग में पैराग्राफ की शेडिंग बन चुकी है, इसी तरह हम नीचे भी यही करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको इसको भी कमर तो इसको यहाँ से ऐसे कर लें, ठीक है। सेट किया उसके बाद आप नॉर्मल में गए, वो यहाँ पे पैराग्राफ में हमने क्लिक किया, ठीक है। जस्टिस पे गए हमने किया आपने जस्टिफाई, ठीक है। इसी तरह आपने हो जो ये हेडिंग वाली इसको हम यहाँ से बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम ले देंगे हेडल में जाके, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे नॉर्मल, ठीक है। स्पेस हमने कम किया डल मार के, नीचे वाले को भी हम इसी तरह ही करेंगे, ठीक है। ठीक है, जब आप पेज तैयार हो चुका है इसको हम करेंगे पब्लिश, कंफर्म करेंगे, ठीक है। ये देखिए जी हमारा ये पेज हमारा, ये देखिए हमारा पहला पोस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। हम बाकी भी अब इसी तरह ही आपको अगली बना कर दिखाते हैं, ठीक है। ये हम न्यू पोस्ट में गए, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लिखते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हमने बिल्ली के ऊपर हम उसका दूसरा आर्टिकल लिखते हैं अपना, तो ये हमें बिल्ली पहुँच चुकी है। तो यहाँ से हम इसको चेक करते हैं कि हमें कौन सा अच्छा लगता है, ठीक है। हमने मुझे अच्छा लगा इसको, हम ये खोलते हैं यहाँ पे ओपन गाड़े, ठीक है। ये आगे हम बिल्ली का यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। सारा यहाँ तक निजाम आ जाए ज़्यादा करके आते जाए, यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है, इसको हम दोबारा कॉपी करेंगे, ठीक है। और दोबारा उसी तरीके से हम यहाँ पे ला के इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है, दोबारा, ताकि ये इसकी चेंजिंग कर दे लफ्ज़ों की, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप ये इसके जो स्पेलिंग जो आएंगे वो आगे पीछे कर देगा। ये देखिए आपको भी करके दिखाते हैं, ठीक है। दोबारा इसको यहाँ से हमने कॉपी किया, ठीक है। अब हम दोबारा साइड पे जाएंगे, ठीक है। दोबारा गूगल पे जाके यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लिख दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको कॉपी करके तो यहाँ पे आप चेक कर लें, ठीक है। जब खोलते हैं यहाँ, ठीक हो गया। यहाँ पे हम इसको करेंगे कॉपी पेस्ट, जो हमने कॉपी किया था आर्टिकल, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया हमने, तो अब नीचे हम आएंगे यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। बॉस का हमें आप ये चेक करेगा, ठीक है, इसको, ताकि इसके अंदर वो जो ही पहले हमने किया था फिर दोबारा करेगा, क्योंकि स्पेंस को नहीं चेक करेगा और मैचिंग करेगा कि आज का रिजल्ट 100%
ये लीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ये स्कैन का आ रहा है उसको। हम आपको इसे आराम से हर चीज़ दिखा रहे हैं ताकि आपको काम करने में आसानी हो, लेकिन फिर भी आपको किसी चीज़ की परेशानी ना हो तो हमसे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप हमें मैसेज करें, उसका जवाब आपको फौरी तौर पर हम आपको देंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे कुछ लफ्ज़ निकाले तो ये इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये दोबारा उसको चेंज करेगा। ठीक है, तो ये करने के बाद ये हमें दोबारा उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने दोबारा उसको चेक करना है। ठीक है, ये दोबारा उसको अब जो जो लफ्ज़ हमारे यूनिक नहीं थे वो उसने हमें ये शो ऑफ कर दिए। ठीक है, तो ये इसको हम करेंगे दोबारा चेक, एक क्लिक करेंगे। अब जिसको दोबारा वो सर्च करा है, करने के बाद वो उसको चेक करेगा कि आप उसके अंदर लफ्ज़ में हमारे चेंज करके वो हमारे सामने रखेगा रिजल्ट अपना। ठीक है, जब ये सर्च कर रहा है क्योंकि ये 100% ओके होगा तो हमारा गूगल पे जाके वो रिज़ल्ट सही रहेगा, वरना फिर गूगल वाले हमें इसके पैसे नहीं देंगे क्योंकि ये पहले इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है, ये देखिए इसने हमें 100% यूनिक कर दिया। ठीक है, अब हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, रिजल्ट आपके सामने आ गया। ठीक है जी, हमारा रिजल्ट 100% ओके हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसको, ये हमने कॉपी किया। ठीक है, अब दोबारा अपने पेज पे जाएंगे ब्लॉगर में। ठीक है, ब्लॉगर में जाके हमने न्यू पोस्ट बनाई है, ये न्यू पोस्ट पे हमने क्लिक किया, ये हमारा आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। ठीक है, जो उसका नाम था कहते हैं वो यहाँ पे हम टाइटल पे इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये काफ़ी हमें नाम का कर लेते हैं तो अब हम इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो टाइटल में जाके हम इसको नॉर्मल करेंगे, यहाँ पे हम हेडर लिखेंगे। ठीक है, इसके हेडलाइन, तो अब हम गूगल में जाके इसको इस नाम से हम सर्च कर लेते हैं बिल्ली का। ठीक है, इस पर से कोई बिल्ली आपको जो भी पसंद आए वो आप ले सकते हैं इस पर। ठीक है, हम ये कर लेते हैं, ये हमने यहाँ से इसको सेव किया। अपने पेज में आके हम इसको वहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ब्लॉगों में आके। ठीक है, वही जो पहले हमने किया था उसी तरीके से हम उसको दूसरा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सेलेक्ट फोटो में जाएंगे जहाँ पर सेव हुई थी बिल्ली,
की तस्वीर हमने वो यहाँ पे अपलोड हो रही है, ठीक है। उसको आप सेट करके बाद ओके करना, ठीक है। तो इसी तरह अब जो हमारे जो निचले हेडिंग है लिखाई जो हमने कॉपी कर ली थी तो उसका भी हम अच्छे तरीके से लिखा पैराग्राफ का सही कर लेते हैं, ठीक है। इस पर आके आपने करना है नॉर्मल, यहाँ पे पैराग्राफ, और यहाँ पे आके आपने इसको करना है जस्टिफाई, ठीक है। इसको आप यहाँ से पहले पेज का अपने टैब से इसको आगे कर देना, ठीक है। इसको हम आप करेंगे पब्लिश, टाइटल के ऊपर भी हम उसका नाम लेते थे, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। सर्चिंग में भी आप ये लिख सकते हैं। अभी हम आपको उसका ये अगला स्टेप है वो हम आपको उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है, कि ये सर्च में कैसे आएगा। आपने इसी तरह ही 25 को कम से कम आपने 20 से 25 आपने आर्टिकल लिखने हैं, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप आता है सेटिंग में जाते हैं। ये देखिए हमारे दो ब्लॉकर तैयार हो चुके थे, अब हम जाएंगे सेटिंग में, ठीक है। अब उसका हम नेक्स्ट काम करते हैं, तो आपको भी अब दिखाते हैं क्या करना है। तो इसको तो आप नीचे करते हैं, ठीक है। हम नीचे आ रहे हैं, आप आना है कस्टमर रिपोर्ट में, ठीक है। इसके बाद आपने गूगल का खोल लिया, तो ये भी हम आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप इसे उसके ऊपर जस्ट कॉपी करना है, ठीक है। जनरेटर है ये XML, ठीक है। ये साइट का ऊपर जाकर कनेक्ट करता है, ठीक है। ये हमने खोला है, तो दोबारा हम उस पर अपने ब्लॉगर में जाएंगे, तो यहाँ से हम जाएंगे इसके अंदर व्यू ब्लॉगर में, ये भी ओपन हो रहा है। तो इसका हमारा ये सामने ये URL आ रहा है, इसको हमने कॉपी किया है, ठीक है। अब हम उसके अंदर जाके, ठीक है, इसके अंदर आके हमने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, ठीक है। ये हमने पेस्ट किया, उसको जनरेट करना है, ठीक है। इस बटन पर क्लिक करें, नीचे करें। अब यहाँ से हमने इसको कॉपी करना है, ठीक है। इस बार 3 लाइन 4 लाइन है, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, इसको कॉपी, और अपने ब्लॉगर में जाके हमने इसके अंदर जाके हमने हमको क्लिक करके तो यहाँ पे हमने वो पेस्ट करना है, ठीक हो गया। तो ये हमारी साइट के साथ ये कनेक्ट हो चुकेगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। हम गूगल सर्च करने जाएंगे, इसके साथ ये होगा कि हमारे गूगल के जो भी हमारे कहते हैं जो बंदा व्यू करेगा कि तो हम इसका पता चलता रहेगा करेगा कि कितने हमारे पास व्यू आए हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी हमारे इसके अंदर खाली है क्योंकि अभी हमने इसका फ्रेश बनाया आपके सामने, ठीक है। तो अब हम जाएंगे इसका मतलब आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर भी कहते हैं ऐड हो जाती चीज़ें, ठीक है। सर्च मैप पे जाके तो आपने अपना जो ब्लॉगर का जो है वो आप इसके पे लिखना है साइट, ये मैं आपको ये भी लिख देता हूँ, ठीक है। नीचे साइट पे ये आपने खो इसी तरह लिखना जैसा मैं लिख रहा हूँ, साइट मैप .XML, ठीक है। अब सबमिट किया हमने, अब ये वेरीफाई हो रहा है, ये सक्सेसफुली हमारा इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, ये देखें जी हमारा ये हो चुका है सक्सेसफुल, ठीक है। तो अब हम आपको इस पर अगला दिखाते हैं, नीचे करते हैं इसको, ठीक है। ये हमारी ये है आइडिया, अब इसको यहाँ से हमने इसको गूगल खोलते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका हम यहाँ से अपना यूर जो होगा हमारा ये ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है।
ये भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैं इसके भी स्पेलिंग आपको ईमेल के साथ वेबसाइट का पूरा एड्रेस नीचे ऐड करूँगा, तो आपको भी उस पर भी आसानी से क्लिक करिएगा और आपको वीडियो खुल जाएगी आपकी। ठीक है, ये देखिए हमारा गूगल एनालिटिक्स आ गया, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे हम स्टार्ट में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना जो यूजर कॉपी किया था वो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ों को आप देख लें, सेकंडस को यहाँ पे भी आपने वही लिखना है यूजर अपना। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको होते हैं काट के, इसको आप नेक्स्ट करेंगे। आपने पहले कंट्री डालनी है, तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं अपना पाकिस्तान का ही ऐड करूँगा। ठीक है, सुबह आ जाएगा। ठीक है, ये भी हम पाकिस्तान लिखेंगे, पाकिस्तानी करेंसी लिखेंगे। और आप किसी भी मुल्क से हैं तो वो आप ना लिखें। ठीक है, अब इसको करेंगे नेक्स्ट। अब हमारा ये वर्चुअल है, हम 1 से 10 करेंगे, उसको आपने सबको यहाँ पे चेक कर देना है। ठीक है, इसके बाद करेंगे क्रिएट। यहाँ पे हम लिख देते हैं पाकिस्तान, इसको डाउनलोड करते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, इसको क्लिक करके यहाँ पे वो उसको एक्सेप्ट कर दें, तो ये भी हमारा मुकम्मल हो चुका है सेटअप। ये भी लोड हो रहा है, इसको आप नेक्स्ट कर दें, सेव कर दें। इस पे आप जाएंगे, क्लिक करें यहाँ पे, इसको क्रॉस कर दें। यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे भी आपने वो यूरो जो है हमारा ब्लॉगर का वो पेस्ट करना है। ठीक है, शुरू में जो एचटीएमएल है वो आप काट दें, तो वाली डब्ल्यू चीज़ करेंगे। इसको कॉपी करके हम दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये जो है इसको हमें कॉपी करना है। ठीक है, तो दोबारा हम अपने कॉपी करके ब्लॉगर में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप हमें कमेंट में मैसेज करें, हम आपको उसका जवाब देंगे। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अब इसको होम पे हम जाते हैं। अब ये डैशबोर्ड हमारे पास आ गया, तो हम इसके आपको दिखा रहे हैं कि इसका हमने व्यू किया करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जब भी कितने भी लोग आते जाएंगे वो यहाँ पे शो होते जाएंगे। ठीक है, अब दोबारा हम अपने ब्लॉगर में जाते हैं। ठीक है, इसको हम दबाव खोलते हैं। ठीक है, अब आप इसको दबाव से जाते हैं, दबाव से जाकर इसको भी हम रिफ्रेश करेंगे। ये देखें, ये हमारा ये आ चुका है। ठीक है, एक नीचे कंट्री आ रही है, और जब आप खोलेंगे तो उसके बाद में आपको बदलता जाएगा। ठीक है, मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैं इसका बाकी चीज़ें भी ऐड कराता जाऊँगा, तो आपको कहते हैं ब्लॉगर बनाने में बड़ा आसानी से आप इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम इसके 25 का पेज हम इसके तैयार करते हैं, करने के बाद फिर इसका मैं अगला स्टेप आपको बताता हूँ। अच्छा, अब हम आपके लिए अब करेंगे जी कहते हैं जो सेटिंग है हमारी पेज की, तो ये हमारी बिल्कुल जो है टेम्पलेट सिंपल सी है, उसको हम अब थोड़ा करते हैं करीब। ठीक है, हम सेटिंग में जाते हैं, तो ये सारी सेटिंग दिखा रहा हूँ। तो पेज की सेटिंग में हम आएंगे, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे, इसकी जो सेटिंग है इसको हम ये ऑफ करके इसको कर देंगे। ठीक है, सेव नहीं हुआ दबा करता हूँ, यस क्लिक किया इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो ये बाकी सेटिंग इसको भी हम चेक कर लेते हैं, इसको भी ऑफ करना है। ठीक है, ऑफ करके को सेव कर दें, इसको भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, आपको कहते हैं अगर चीज़ समझ ना आए तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हम पेज में गए और यहाँ पे इसमें गए एचटीएमएल पे। ठीक है,
ये जो अकॉर्डिंग उसको हम सेट करेंगे यहाँ से, सेलेक्ट ऑल को डिलीट कर देंगे, डल मार देंगे। ठीक है, ये टेम्पलेट है, ये भी मैं आपको नीचे लिंक में शेयर कर दूंगा, उसको आप आसानी से उसको कॉपी पेस्ट करके तो आप टेम्पलेट आपकी ठीक हो जाएगी, नहीं लग जाएगी। ठीक है, ये हमारी टेम्पलेट हो चुकी है, इसको हमने कॉपी किया। ठीक है, यहाँ पे इसको हम ला के पेस्ट करते हैं, दोबारा कॉपी करते हैं, कॉपी मुझे हमने डिलीट किया था जो हमने यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, ये पेस्ट हो गया, इसको अब हम करेंगे सेव। सेव के बटन, ये देखेंगे प्रोसेस हो रहा है इसका, तो इस तक चेक करते हैं कि यहाँ पे भी ठीक है, ये टेम्पलेट हमारी हल्की थी, तो ये भी इसको भी हम सेव होते हैं तो रिफ्रेश करते हैं, फिर आपको सामने ये इसका आ जाएगा व्यू। ठीक है, ये देखिए ये हमारी टेम्पलेट तैयार हो चुकी है, तो उसके अब हम चेंजिंग करते हैं। यहाँ पे आपने अपना लोगो लगाते हैं, आपका लोगो भी आपको अगर बनाना नहीं आता वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लोगो बनाना आपको सिखाते हैं। ठीक है, ये हम पेज में गए सेटिंग में। ठीक है, ये नीचे आएंगे, ये यहाँ पे भी ये देखें, इसको हम क्लिक किया यहाँ पे पेन पे, ये लोगो है जिसको हमने यहाँ से चेंज करना है अपना। ये ब्राउज़र में गए, ठीक है, ये हम जानवर है तो मैं अपना कुत्ते की जामा फोटो लगा दूंगा, जो भी आपका लोगो होगा वो आपने बनाया होगा तो उसको यहाँ पे लगा दें। अब ये सेव हो रहा है, ठीक है, ये सेव ये आ चुका है। ठीक हो गया, एक हम सेव करते हैं और अब चेक करते हैं कि ये आया है, साथ ही इसकी दूसरी हेडिंग भी हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आया। ठीक है, तो इसे में हम उसको चेक करते हैं सेव करके। ठीक है, ये हमको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए ये हमारा लोगो आ चुका है। ठीक है, अब ये भी चीज़ें मैं हमारी अब उसको ये जो आई ये टाइटल भी हम चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इस बटन पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे हम ये देखेंगे जो लफ्ज़ था हमारा फाइंड दिस जॉब, इसको हम चेंज करना है। ठीक है, जो भी आपका टाइटल हो जो होगा कि नाम वो हम कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से इसको लिखना है लफ्ज़। ठीक है, नीचे भी देख लेते हैं, ठीक है, आपने भी इसी तरह ही इसको सेटिंग लिखनी है। ठीक है, जो जो मैं लिख रहा ना आपने भी इसी तरह इसको टाइप करना है। ठीक है, आप इसको बड़े ध्यान से देखना है कि इसमें कोई गलती ना कीजिएगा। ठीक है,
है, इसको हम सेव कर दिया। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या हो गया। देखो ये आपके सामने आ गया, तो अब अगले को भी हम चेंज करते हैं। ये भी लोगो जो है वो हम चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम अपना लोगो लगा लेंगे, ठीक है। जब ये लोड हो रहा है, ये देखिए ये आ गया, इसको सेव करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे किए, तो यहाँ पे भी हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसको हम जाके अपने पेज को चेक करते हैं कि वो चेंजिंग हमारी, ये देखें ये भी हमारी चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम ये बटन है इनको हम सही करते हैं जो हमारे रिलेटेड हैं। लिंक में गए, यहाँ पे ये बटन हमारे ये आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ से हम क्लिक किया, ये देखें अब पाकिस्तान में हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जो जो आपके होगा आपने उसके मुताबिक इसके बटन लगाने हैं, ठीक है। ठीक है, इसको अभी हम देखें, हम सारा अपने चेंज कर चुके हैं, इसको भी हम छोड़ देते हैं, इसको हम सेव करते हैं। तो चेक करते हैं कि ये देखिए हमारा आप ये बटन चेंज हो कि नहीं गए, ये देखें हमारे बटन चेंज हो चुके हैं। ठीक है, हम इसको पेज में जाएंगे। अब हम जो है कंटर का हमें पेज छोड़ दिया था, हमें आपको बाद में बताते हैं, तो ये अभी इसको करते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको इसकी कोडिंग जो है वो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, बस आपने जस्ट कॉपी करना है और उसको उसके ऊपर ला के यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। ये HTML में गए और यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट ऑल करके ये डिलीट कर देना यहाँ से, तो यहाँ से इसको वो पेस्ट कर देना आपने, ठीक है। ये देखिए ये हमारा पेस्ट हो चुका है, इसको हमने पब्लिश कर दें। ठीक है, अब देखो हम चेक कर लेते हैं हमारा पेज क्या बना है। अभी इसका लिंक नहीं लगा, तो ये भी हम इसको लिए यहाँ से लिंक को कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये कॉपी किया, ये हमारा ये लिंक कॉपी कर लेते हैं। अब इसके उस पर जाते हैं पेज में सेटिंग में, तो यहाँ पे हमारे नीचे हम आएंगे, यहाँ पे इसको क्लिक किया, नीचे करें, ये जो आया हमारा कंटेंट का पेज, यहाँ पे ये देखें लिंक को हमें यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसको सेव करना अपने, ठीक है। तो अब ये पेज हमारा चेक करते हैं कि ये सेव हो चुका है। होम गए हम, तो दोबारा से जाते हैं, ठीक है। ये देखें हमारा पेज आ चुका है, इसके ऊपर अपने जो भी आपको ईमेल डालेगा ये चीज़ें फिर सबमिट करेगा, वो आपको ईमेल इसकी आ जाएगी, ठीक है। इसको फिल करने के बाद ये चला जाएगी। अब हम इसकी अगली सेटिंग देखते हैं अबाउट में, इसका भी हमने लिंक लगाना है, ठीक है। जिससे हमने उसका लगाया है, सारे पेजों को हम कॉपी खोल लेते हैं, ठीक है, ओपन कर लेते हैं। सबके जो लिंक है हम कॉपी करके उसी तरह ही जैसा हमने अभी किया था सेम उसी तरह कॉपी पेस्ट करके हमें कॉपी कर लेंगे, और जो जो हमारा ये लिंक है ना उसी के ऊपर ही हमने बटन के ऊपर उसको लिंक लगाना, ठीक है। ये अबाउट का पेज आ गया। Thank you.
जो हमें पेज नहीं चाहिए वो हम इसको ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये भी ड्रैग कर देते हैं, ये भी नहीं चाहिए हमें फिलहाल, ये भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। अब चेक करते हैं कि ये क्या बना है हमारा। इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे ये चीजें पेज हमारे लिंक ला चुका है, ये देखिए सारा चेक कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी हमारा पेज इसमें लग चुका है। अब हम नीचे जाते हैं सोशल, इसको भी हम फिलहाल में इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसको हेडर में जाते हैं, फुटर में, इधर भी हम पेजों को लिंक लगाते हैं। ये देखिए, अब हमारी सारी सेटिंग पेज की तैयार हो चुकी है, ठीक है। सारे बटन हमारे एक्टिव हो चुके हैं। आपने इसके ऊपर जो है ना रोज़ाना बेस पे एक एक आर्टिकल लाजमी इस पर लिखने हैं, ठीक है, ताकि ये आपके 25 आर्टिकल जब हो जाएंगे मुकम्मल, फिर आपको ये पैसे भी नशे हो जाएंगे, उसके ऊपर आपके इश्तहार लगे करेंगे, ठीक है। फिर आपको महाना 500 से 700 डॉलर कमा सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। इसको आप आसानी के साथ कैसे आपको मैं समझाया है, फिर भी आपको किसी चीज़ को समझ ना आए तो वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखें और उसको काम करें आप मिलके।